दोस्तों महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में ये कथा तो सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इसमें चित्रांगद अल्प आयु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए। क्योंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और अंबिका और अंबालिका अभी संतानहीन थी, तो ऐसे में वंश बढ़ने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान किए जा रहा था। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इस समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। इसके बाद वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। कथा मिलती है कि अंबिका वेदव्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उनसे उत्पन्न हुई संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। दोस्तों क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहाँ चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जन्म के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? धृतराष्ट्र एक अंधा राजा था जिसे महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में इस वंश का नाश करवा दिया। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई सारे पाप किए थे, परंतु आज हम बात करेंगे विशेषता कुछ ऐसे पापों की जो सर्वरोपरी थे और जो धृतराष्ट्र की मौत का कारण बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे, क्योंकि जब भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से करा दिया, तब गंधारी को पता चला कि मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं है, वो एक अंधा है। तब पत्नी का धर्म निभाते हुए उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या आप जानते हैं कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ही ज्योतिषों ने सलाह दी थी कि गंधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए और फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके बाद ज्योतिषों के कहने पर गंधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया, बाद में उस बकरी की बलि दे दी गई। दोस्तों कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गंधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। गंधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गंधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वो किसी कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गंधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गंधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? वास्तव में ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबल ने ये निर्णय लिया था कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो छोटा पुत्र और कोई नहीं बल्कि शकुनी था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। गंधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। गंधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गंधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गंधारी की बेटी का नाम दुशाला था। कहा जाता है जब वे गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। दोस्तों पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की
भी अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते बूझते हुए विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना, द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि को जन्म दिया था जिसमें सभी जल रहे थे, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। इसे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। अधर्म का साथ दिया, वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गंधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गंधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वो हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते। वे जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते। अधर्म का साथ देने वाला एक अधर्मी और खलनायक ही हो सकता है। भीम को मारने की इच्छा, उस काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अत्य मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनसे गले मिले। बाद में भीम की बारी आई, तब धृतराष्ट्र के व्यवहार को देख भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अत्य जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे समझ नहीं पाए कि ये भीम नहीं बल्कि लोहे की एक मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है, भीम को नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल रहे। पूर्व जन्म का पाप, कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में एक हंस पर पड़ी जो अपने बच्चों के साथ आराम कर रहा था। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था, मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में दोस्तों, ये भी एक कारण है कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गंधारी, संजय और कुंती अपना संपूर्ण राजपाट त्याग वन में चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय जंगल में आग लग जाती है। ये देख कुंती और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास भागते हुए आते हैं और धृतराष्ट्र से उनके सही होने का पूछते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते और वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं।
जिस कारण गंधारी भी अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाने का निर्णय लेती है और धृतराष्ट्र के साथ गंधारी और कुंती भी वहीं रुक जाते हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ हिमालय पर्वत की ओर चले गए। उसके पश्चात तीनों वन की अग्नि में झुलस कर मर गए। हिमालय पर्वत पर पहुँच संजय एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उसके पश्चात नारद मुनि युधिष्ठिर तक ये दुखद समाचार पहुँचाते हैं। सूचना पाते ही युधिष्ठिर वहां से जाकर उन सभी की आत्म शांति के लिए नीति अनुसार धार्मिक कार्य करवाते हैं। इस प्रकार महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र के जीवन का अंत होता है। दोस्तों, धृतराष्ट्र की मृत्यु के पीछे छिपे इन पापों पर आधारित ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।